और ये मेरी 6 महीने के बाद लास्ट सितंबर अक्टूबर में करा था। तो सामान देख रहा हूँ तो चूहे ने ना बहुत बढ़िया करके सफाई कर रखी है। देखो इतना पढ़ा लिखा था कि उसने छांस तक लस्सी तक पी दी है मेरी। लस्सी पी ली उसने। हाँ, काम की चीज है, काम की चीज है। और रसना रखा था। हाँ, वो भी खा दिया है। रसना भी खत्म खत्म है। तो छोड़ा क्या आपके लिए? कुछ छोड़ा भी है? बस दाले वाले, चावल और आटा बचाया, जो उसको खाना चाहिए था वो खाया नहीं। जूस पी गया, जूस पी गया। बड़ा भयंकर वाला, पता नहीं किसने पढ़ा रखा था उसको। पढ़ाई लिखाई अच्छी है आपके? बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट का ही है लगता है। नहीं, हमारे बागेश्वर का नहीं है वो। अच्छा, हो सकता है इधर से आया हो। अच्छा, कहाँ? मिलम क्रॉस करते हुए, दीवान सिंह मर्तोलिया की तरह ट्रेल पास क्रॉस, ट्रेल पास क्रॉस करके। हाँ, कुछ भी हो सकता है माउंटेन में। चलो, वेरी गुड। ये लो, तो फाइनली हमारा कैंप लग के तैयार हो चुका है। टेंट लगा दिया है, कई सालों के बाद लग रहा है। 2-3 साल पहले लगाया था इसको हमने छांगुज बेस कैंप में, उसके बाद ये आज ही लग रहा है। तो क्योंकि थोड़ा इसकी भी रिप्लेसमेंट हो जाएगी इसलिए मैंने लगाया है। बाकी देखते हैं इसके अंदर गर्म होता है या ठंडा होता है, वो तो सोने के बाद पता चलेगा। और फिलहाल सेटअप तैयार हो चुका है, क्योंकि अगल बगल में ना कई सारे लोगों के टेंट भी लगे हुए हैं, तो अपना भी बनता था दोस्तों एक टेंट तो यहाँ पर। तो दोस्तों अभी मेरा कैंप लग चुका है पिंडारे में। आज घर से बाहर हूँ मैं, घर में ना मेहमान ज़्यादा आ गए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ा है थोड़ा सा। पर अगली बार से ना घर में ही रहेंगे, इस बार के लिए थोड़ा सा डिस्टर्ब था तो इस वजह से। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर ना सुबह जैसे मैं उठूँगा तो सामने में छांगुच और पिंडारी का पूरा समिट पॉइंट पूरा अच्छे से दिखेगा सामने में। जैसे ही दरवाज़ा खुलेगा मेरा टेंट का, गेट खुलेगा और पूरे हिमालय के दर्शन हो जाएंगे बढ़िया मस्त करके। काटे जनो के कहाँ हम कहाँ जा रहे हैं? बंगला बोलना, हिंदी बंगला बोलना। हम ये जाची काटे जनो सुंदर वाला ओकोर की कैंप है। अच्छा, तो
तो मतलब हम लकड़ी काटने जा रहे हैं उसके लिए, उसके बाद हम करेंगे कैंप है। कैंप है। ओके, तो ये हमारे हाफ बंगाली हैं जो इसके साथ हम जा रहे हैं लकड़ी लेने के लिए। ऊपर मैं ऊपर का टॉप दिखाता हूँ दोस्तों, हम जाएंगे ये देखो उस वाले एरिया पे जहाँ पे कुछ पेड़ पौधे हैं, तो वहाँ पर हम कुछ लकड़ियाँ वगैरह ढूँढेंगे, फिर वहाँ से वापस ला के ना यहाँ पे हो गया हमारी कैंप है नीचे में। तो एक हाफ बंगाली को लेके हम निकलते हैं फिलहाल जंगल की तरफ, और जंगल में थोड़ा सा हमारा आज का एडवेंचर भी हो जाएगा और एडवेंचर के साथ साथ कैंप फायर भी हो जाएगा। क्यों बंगाली दादा, हम ठीक बोल छे ना? ठीक बोल छे? ठीक है, ठीक है, एकदम भालो, एकदम भालो छे, एकदम स्ट्रेट आ छे, स्ट्रेट जा छे, एकदम हाइट ओके। ए तू लंबा ओ हो ठीक से। तो ऊपर को ना पूरा पोथड़ पोथड़ है, तो पोथड़ पोथड़ में ना चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है हमको, और पत्थर भी ऐसे ना अगर थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया ऊपर से नीचे मेरे ऊपर में गिरेगा, तो इसलिए हम थोड़ा सा जिग-जैग करके चलते हैं। हाँ बंगाली दादा तुम तो भलो जाचे हैं, तो देखो ये तो चारों हाथ पांव टेक के ना ऐसे जा रहे जैसे बकरी बन रहे हो, बकरी बन के। और देखते हैं वहाँ पे लकड़ियाँ तो मिलेंगी नहीं मिलेंगे, वो जाने के बाद ही पता चलेगा, पर फिलहाल ना हम थोड़ा सा हाइट को और गेन करते हुए एकदम नीचे हमारा कैंप है वो सामने में, और यह पूरी पिंडारी का मैदान, उसको जियागैर भी बोलते हैं लोग, और सामने में बाबा जी का आश्रम। ये हमारे बंगाली दादा, हाफ बंगाली दादा। तो दोस्तों हम ना इतनी लकड़ियाँ इकट्ठा कर चुके हैं, मैं आगे से काट रहा हूँ, पीछे से बंगाली दादा इनको कलेक्ट करते हुए ले आ रहा है। इतनी सी भी और मिल जाएंगे तो काम बन जाएगा दादा, क्यों पक्की बात? चलो इतना और मैं इकट्ठा कर लेता हूँ कहीं से, बाकी ना थोड़ा सा हिमालय खुल रहा है ऊपर को बड़ा मस्त तरीके से, और ये है पूरे हमारे पिंडर वैली। और अब ना मैं इसके बाद थोड़ा सा इस वाले झाड़ियों में घुसता हूँ ताकि इसके अंदर ना कुछ सूखी हुई लकड़ियाँ मिलने के हाँ चांसेस है ना। हाँ वो वाला कुछ सूखी चट्टान में कुछ सूखी रस्सी, रस्सी को ले आओ लकड़ी को रहने दो। तो चलो इसमें चलते हैं इस वाले भुड़ा में, हमारे वहाँ भुड़ा बोलते हैं आपके वहाँ झाड़ियाँ बोलेंगे, तो देखते हैं यहाँ से कुछ लकड़ियाँ कलेक्ट कर लेते हैं। तो भाई जंगल में ना यहाँ आपकी झाड़ियों में लकड़ी ढूंढना भी इतना आसान काम नहीं होता है, देख रहे किस तरह की झाड़ी है। और इनमें ना चलो आज तो ठीक है, बाकी समय में भालू वगैरह की भी बहुत संभावनाएं रहती हैं, बहुत हार्ड हो रखी हैं जितनी भी हैं ये सारे ना बुग्याली लकड़ियां हैं, तो ऐसे जगहों पे बहुत अच्छे से लकड़ी को ढूंढ पाना भी बहुत मुश्किल होता है, अगर मिल भी गई ना तो इनसे झाड़ियों से बाहर निकलना बहुत बड़ी बात है, अपने आप में एक चैलेंज है कि आप इन झाड़ियों के अंदर से लकड़ी तो ढूंढ लोगे फिर यहाँ से बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्क लेना पड़ता है। हाँ जी हाँ थोड़ा सा ऊपर आ जाओ, ये निकाल के ले जा। तो मैं ढूंढता हूँ एक दो और मोटी सी लकड़ियाँ मिल जाए ना इस एरिया में तो फिर काम बन सकता है, क्योंकि बहुत छोटी और पतली पतली लकड़ियों से काम नहीं चलेगा, कुछ मोटी टाइप की लकड़ियाँ चाहिए ताकि कुछ देर तक वो काम चला सके। भयंकर चलो तो इस तरह से ना एक एक लकड़ी इकट्ठा करनी है हमको ये वाली। चलो भाई यहाँ पे हैं दो चार, नीचे डाल दो यहाँ से। अरे यार गलत जगह पे चलेगी, लकड़ियाँ तो कर दी हैं
पर यहाँ से जाने के लिए ना आप देख सकते हैं, ये देखो कैसे जा रहा भाई हमारा, ये दिख भी नहीं रहा, यहीं पे है ये, जबकि ये ऐसे जाना होता है तो बहुत ही रिस्की काम है। नीचे देख रहे हो, अगर गिर गए ना फिर ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं है, आराम से दादी आराम से। देखो दिख रहा है, हल्का सा टोपी दिख रही है बस भाई के, आराम से चलना है। ये है कैलकुलेटिव रिस्क, क्योंकि यहाँ पे ना उतना ज़्यादा रिस्क भी नहीं हम उठा रहे हैं, पर इतना है कि हम यहाँ से आसानी से आर पार जा सकते हैं, तो इतनी सी थोड़ी टेक्निक हमारे पास है। चलो तो देख सकते हैं, चलो उसको मैं ले आता हूँ। हमने एक लकड़ी ऊपर से फेंकी थी, वो गलत जगह पे चलेगी, तो उसके लिए भी हमें जाना होगा, क्योंकि बहुत प्यारी सी लकड़ी है। पर ये तो पूरी क्लाइम है भयंकर वाली, ये देखो, लो भाई ये लो। तो ये है देखो, इस तरह से चट्टान में चढ़ चढ़ के ना हमने लकड़ियाँ इकट्ठा कर दी है, नीचे कैंप है, और ये हमारे सरबू दादा, बंगाली दादा, आराम से दादी आराम से, बहुत ही क्या है भयंकर वाली स्थिति है। और एक तो इतना बहुत ज़्यादा गीला भी हो रखा है ये वाली एरिया, तो चलो कुछ तो लकड़ियाँ हम इकट्ठा कर ही चुके हैं जैसे भी, तो इतने से हम काम चला ही लेंगे। हाँ चलो, आज के ब्लॉग में भी ना थोड़ा सा एडवेंचर हो गया है हमारा, तो मज़ा आएगा आपको। यह है एकदम हाई माउंटेन में बुग्याल में, ये देखो पूरे मज़े से दादी हमारे गली दादा लकड़ी फेंक रहे हैं, फेंक दे तो सारे ही फेंक दो, और इकट्ठा भी तो करके ले आना पड़ेगा ये, है दादा। ये तो यहीं से ले जाते हैं, हाँ इनको यहीं से, मैं जाऊँ आगे। हाँ चलो, तो हमारी लकड़ियाँ ना हमने झाड़ियों से तो निकाल दी हैं, पर यहाँ पे फंस चुकी हैं बर्फ़ में, क्योंकि बर्फ़ ऐसा है ना एकदम डाउन में है, ये देखो अगर फिसल गए तो सीधे नीचे जाएंगे। तो हम बनाते हैं स्टेप, स्टेप बनाने के बाद फिर वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं इस तरह से, क्योंकि ये आइस एक्स का काम करेगा हमारा, बर्फ़ तो भयंकर ये किसी काम का नहीं है भाई, ज़्यादा ही डाउन हो गया है। दादी ये तो रिस्की माहौल हो गया है, पर थोड़ी सी टेक्निक का यूज करते हैं दोस्तों, साइड पकड़ते हुए यहाँ से निकलते हैं। ये वाली लकड़ी थी बड़ी मस्त वाली लकड़ी, इसे हम छोड़ नहीं सकते हैं, पहाड़ को निकालते हैं अब है। लो तो इसको डाल दिया है उधर को, और मैं इसके साइड साइड से निकलता हूँ, आप आराम से आओ। हाँ हाँ आराम से, एकदम आराम से, जल्दबाजी नहीं करने का। हाँ ठीक है दादी, तो ये लो देखो, वो जो पत्थर पकड़ रखा ना वो कुछ दिन में फिर ये पिघल के, जैसे बर्फ़ पिघलेगी तो ये नीचे दिखेगा आपको, आराम से आराम से। हाँ 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 ऐसे स्टेप बना के, गुड। अरे आप तो पूरे टेक्निकल गुरु हो यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो तो ये तो क्रॉस कर चुके हैं, मैं क्रॉस करता हूँ इधर से, इस साइड से बर्फ नहीं है, पर ना यहाँ पर ऐसा हाल हो रखा, अगर थोड़ा सा फिसल गया या ये बर्फ़ टूट गया ना तो दोनों साइड से खतरा है, एक साइड से भी नहीं, तो इसलिए मेरे को एकदम इस हिसाब से इस साइड से उतरना होगा। और जो लकड़ियाँ हैं ना उनको हमने इधर से फेंकी हैं, तो साइड काटते काटते फिर कहीं पर तो मेरे को स्नो में जाना ही होगा, तो देखेंगे जहाँ पर ठीक ठाक वाली जगह होगी,
तो उस जगह पे पार करेंगे भयंकर वाली हो रही है एकदम हार्ड वाली स्नो, क्योंकि सबसे बड़ा ना इसके नीचे पत्थर हैं तो उन पत्थरों में चोट लगने की संभावना है, क्योंकि प्रॉपर गेटअप नहीं है हमारे पास, पूरे गियर्स नहीं हैं, तो थोड़ा सा वही पकड़ पकड़ के चलने वाला काम मुझे भी करना होगा। ये देखो इस तरह की खाई है नीचे को, तो इस खाई में ना मेरे को थोड़ा सपोर्ट चाहिए इस तरह का, और यहीं पर ना बहुत बड़ी अच्छी लकड़ी भी फेंक रखी है मैंने, मस्त वाले ये वाले, ये लो। तो देखा लकड़ी ढूंढने में भी दोस्तों इस तरह का एडवेंचर होता है। तो कई लोग बोलते हैं कि आप कैंप में ना बहुत कम लकड़ी जमा करते हो, वो फेक लगता है, भाई लगने दो फेक, इस तरह का खतरा नहीं उठा सकते, अगर फिसल गए ना तो बुरी हाल हो जाएंगे। चलो यहाँ पे कुछ लकड़ी हमने ऊपर से फेंकी थी, तो इनको इकट्ठा करके ना नीचे सरबू दादा को देते हैं, तो सरबू दादा रस्सी लेके आए हैं तो रस्सी में रख लेंगे उसके बाद इस तरह से। तो भाई लकड़ी ढूंढना मतलब अपने आप में एडवेंचर, पर मौसम बहुत सुहावना हो रहा है फिलहाल के लिए, क्योंकि अभी दिन में ना थोड़ी देर पहले बारिश हो गई थी यहाँ पर, तो उस बारिश के वजह से तो ऐसा मौसम खुला हुआ है, और थोड़ी देर में ना पीक्स वगैरह भी दिखेंगे आपको, हाई माउंटेन के क्लाइंबिंग पीक, तो वो भी दर्शन हो जाएंगे आपको। फिलहाल चलो मैं करता हूँ लकड़ियाँ इकट्ठा, तो इस तरह से ना बर्फ़ में पूरी लकड़ियाँ फैल रखी हैं, मैंने ऊपर से फेंकी थी अभी थोड़ी देर पहले, तो इन सारी लकड़ियों को इकट्ठा करके ले जाना है बढ़िया करके, ताकि इस इनसे ना जब मैं दोबारा कभी आऊँगा तो कुछ दिन काम बन जाएगा मेरा इस तरह से। तो ये तो हुई हमारी लकड़ियाँ इकट्ठी, और बिना काटे पूरे डाल देते हैं या तोड़ रहे हो दादा पूरा? हाँ हाँ वही मैं भी सोच रहा था, वहीं पे करेंगे इनकी फिनिशिंग वगैरह। क्यों तो भाई लकड़ियाँ तो मैंने उठा ली, पर ना यहाँ से पार जाने के लिए मेरे को दोनों हाथ इंगेज हो चुके हैं, मेरा एक हाथ भी फ्री नहीं है, यदि फिसल गया ना तो भाई पता नहीं चोट पटक आ जाएगी शायद कुछ इस तरह से। बिल्कुल भाई लो सर, हाँ हाँ चलो जो स्नो पैच था उसको मैंने क्रॉस कर लिया है, और लकड़ी ना हमने इतनी सारी इकट्ठी कर दी है। हाँ तो ये होता है थोड़ा सा एक्सपीरियंस कि कहाँ पर लकड़ियाँ हैं। कल ये भाई बता रहे ना हमारे शरबुदा तो लकड़ी के लिए गए थे इनके साथ ही, तो कितनी इतनी लकड़ी ले आए दादी कल आप? नहीं नहीं इससे कम, फिर मिले ही नहीं। चलो मैं इन वाली को मैं पकड़ता हूँ, हाँ दो चार लकड़ियाँ, बाकी की लकड़ी एक नीचे भी है बड़ा सा, उसको भी मैं पकड़ के ले आता हूँ, बाकी आप लेके आओ दादी। तो इतनी सी लकड़ियों से ना हम एक रात क्या दो रात कई रात काट सकते हैं, तो मुझे पता था यहाँ पे बकरी वाले ना लकड़ियाँ कहाँ पे काटते हैं और कहाँ पे इनके जो अवशेष होते हैं, इनकी जो
छूटी हुई लकड़ियाँ होती हैं तो वो कहाँ पर मिलती हैं, तो इसलिए मैंने सरबुदा को बोला कि चलो भाई हम जाके आते हैं। और ये देखो इतनी सी लकड़ी से भी बहुत काम बन सकता है, हालांकि हमारे पास तो पूरी भारी लकड़ी है, पूरा गट्ठर है लकड़ियों का। तो ये था हमारा एडवेंचर सरवाइव करने के लिए, क्योंकि लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए भी हमें कितना संघर्ष करना पड़ता है बुग्याल में, तो वो आप देख ही रहे होंगे। तो इस तरह का संघर्ष होता है दोस्तों, कोई भी चीज़ आसानी से यहाँ पे उपलब्ध नहीं होती है बुग्याल में। और अभी हमको जाना है नीचे, ओ सामने में कैंप दिख रहा है जो यात्री सेट है वहाँ पर। चलो भारी लगा दिया है सरबुदा ने, तो इस तरह से चलो चले। ठीक है, ज़्यादा तो नहीं हो रहा है दादा? चलो तो हमने कर दी है लकड़ियाँ इकट्ठी आज के लिए, और इन फ्यूचर यदि ज़रूरत भी पड़ेगी ना तो यहाँ पर अभी भी हैं हमारे लिए लकड़ियाँ, कि ताकि हम कुछ और लकड़ियाँ यहाँ से इकट्ठा कर सकते हैं। उस लायक की लकड़ियाँ हैं यहाँ पर। फिलहाल चलते हैं दोस्तों एक बार फिर से कैंप में, और कैंप में जाने के बाद ना अपना खाने पीने का जुगाड़ जो भी होता है बन पाता है तो वो करते हैं, और फिर करते हैं सभी को गुड नाइट। फिलहाल तो बहुत मज़ा आ गया, लकड़ियाँ ठीक ठाक मिल गई हैं हमको, इतना सोचा था दादी इतनी लकड़ियाँ मिलेंगी हैं सरबुदा, सोचा था कि इतनी लकड़ियाँ मिलेंगी आपको? तो ये होता है दोस्तों एक्सपीरियंस, जहाँ पर आप काफी लंबे समय से रह रहे होते हैं तो आपको हर एक चीज का पता होता है, और कहाँ पे जाना है, कहाँ पे लकड़ियाँ हो सकती हैं, कहाँ पे पानी हो सकता है, और कहाँ पे आप कैंप कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको जो नेचर है ना वो खुद ही सिखा देती है। और उसके लिए आपको कुछ समय तक उसके साथ इंटरेक्ट करना होता है, रहना होता है हिमालयाज में। तो क्योंकि जब मैं आया ना तो मेरे चूल्हे में मात्र दो लकड़ियां बची हुई थी, तो उससे काम चल नहीं सकता था हमारा, तो इसलिए थोड़ी बहुत कोशिश हमारी कामयाब रही। तो चलो मिलते हैं आपको नीचे कैंप में। तो भाई सामने में ना छंगुच खुल चुका है, छंगुच के एकदम टॉप में आप देख सकते हैं सनसेट हो रहा है, बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा प्यारा। तो इसी तरह से जो सनसेट का पॉइंट है ना वो एकमात्र यही है कि आप छंगुच टॉप को देख सकते हैं, बाकी का सनराइज बहुत बढ़िया होता है यहाँ पे। सनराइज के टाइम पे आप पनवाली द्वार और नंदा घाट बलजूरी इनमें ना बहुत बढ़िया वाला सनराइज़ आप देख सकते हैं और कैप्चर कर सकते हैं यदि आप यहाँ पे कैंप करते हैं पिंडारी जीरो में। और बाकी सनसेट का एक ही पॉइंट ये है कि यहाँ से आप छंगुच टॉप में सनसेट देख सकते हैं। टोटली लकड़ियाँ इकट्ठा करके ले आए हमारे सरबुदा, ऊपर से हम यहाँ से ऊपर को टॉप में गए थे, मज़ा आया लकड़ी लेके।
तो जल चुकी है भाई हमारी आँख हमारे आश्रम में जिया देर पिंडारी ग्लेशियर में। रास्ता ना लाइट भी झकास वाली जला रखी है ऊपर से मस्त वाली। बाकी ठंडा कैसा हो रहा है? ठीक ठाक हो रहा है? अरे बहुत बढ़िया हो रहा है। अब आपने आग जला दी, अब तो लग ही नहीं रहा कि ठंडा है, तो बहुत अच्छा है। अच्छा रहा अभी वेदर, सबसे अच्छी बात है वेदर इम्प्रूव हो गया है, पूरा क्लियर हो गया है, तो होपफुली कल हमें और अच्छा वेदर मिलेगा मॉर्निंग में। यस yes. चलो तो ठीक है दोस्तों, अभी फिलहाल आग सेकते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद डिनर करते हैं, फिर देखते हैं रात का क्या माहौल बनता है आपके लिए। अभी तो हमारे बंगाली दादा आप आटा लगा रहे हैं, क्यों हो जाएगा इतने से? हाँ हो गया। ओके हो गया। चलो लाइट तो करो, दिख रहा है लाइट कम है आज भी जम रहा है। मैं लाइक करूं? इतना ठंडा है, देखो ठंडा पानी है यहाँ पे, बहुत ठंडा है। अच्छा तो गरम कर लेते भाई यहाँ पे, गरम से आटा जो है रोटी फट जाता है। अच्छा गरम पानी से। चलो ठीक है, मजा आया फिर, अच्छी रोटी खिलाओगे आप आज ठंडे पानी से करके जी गूंद के।